फ्रेंड वेलकम टू माय ट्यूब चैनल ए आर हेल्थ केयर। आई एम डॉक्टर मोइन अख्तर। फ्रेंड आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी ड्रॉप की। ये जर्मन कंपनी द्वारा बनाई जाती है एडल 28। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, इसके बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। एडल 28 जब इस्तेमाल की जाती है जब किसी जो है पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, यानी कि दो तरीके कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो जो है दिल में बहुत ज़्यादा उसका दर्द रहता है, घबराहट रहती है, हार्ट बीट बहुत तेज़ रहेगी, दिल की धड़कन तेज़ रहेगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, दिल उपकाता रहेगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। अगर किसी से किसी बात को लेकर ज़रा सी अनबन हो जाए या फिर उससे किसी बात का झगड़ा हो जाए या कोई शोरगुल हो जाता है तो उसे जो है बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होने लगती है और जो है उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो जो है बेचैन हो जाता है। जब हमारे शरीर में जो है ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं यानी कि एलडीएल वीएलडीएल इनकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो जो है जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो यहाँ हमारे हार्ट की नलियों में जो है जमने लगता है। इसलिए इसको जो है यानी कि आम भाषा में कहा जाएगा खून गाढ़ा होने लगता है, तब इस होम्योपैथी ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं इसकी डोज। अगर अडल्ट की बात करें जो 18 साल से हैं उन्हें जो है 15 से 20 बूंदे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम देनी है, और जो अडल्ट नहीं है कम उम्र के हैं उन्हें जो है 10 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में देनी है। इससे जो है खाने से ये होम्योपैथी ड्रॉप है, इसलिए इससे आधे घंटे पहले ना कुछ लें, यह ड्रॉप लेने के बाद उसके आधे घंटे तक कुछ ना खाएं, उसके बाद कुछ खा पिए। कम से कम 2 से 3 महीने खाना है, फिर आप देखेंगे इस ड्रॉप को 2 से 3 महीने तक पियेंगे आप आधे कप पानी में तो जो है इससे जो है आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा वो ठीक हो जाएगा, एलडीएल वीएलडीएल की मात्रा का पड़ गई है तो कम हो जाएगी। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि